जब तक मुलजिमान कैफर किरदार तक न पहुंच जाए सुकून नहीं मिलेगा। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब जफर इकबाल की सादिकाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बॉर्डर और करीबी इलाकों में 24 घंटे पुलिस ड्यूटी देगी, लाकानूनियत को कंट्रोल करके दम देंगे। सानिहा सादिकाबाद में जहां हल्क होने वाले के लवाहिकीन से मुलाकात की, आरपीओ बहावलपुर और डीपीओ के हमराह इजहार तासीर। बहावलपुर सेक्रेटेरिएट का काम एक माह के अंदर शुरू होगा। मुल्तान और बहावलपुर के सेक्रेटेरिएट 2023 में एक साथ मुकम्मल होंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर की गुफ्तगू, कहते हैं बहावलपुर सेक्रेटेरिएट इमारत जखीरे के करीब बनी है। मुल्तान और बहावलपुर में 17 सेक्रेटरीज काम कर रहे हैं, आइंदा आने वाले दौर में मजीद सेक्रेटरीज बढ़ाए जाएंगे। मुल्तान में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट फालियत की शाहराह पर गामजन। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में तैनात सेक्शन ऑफिसर्स की तरबियती वर्कशॉप, 30,000 सेक्शन ऑफिसर्स की शिरकत। सेक्रेटरी ज़रा जनूबी पंजाब साकिब अली अतील कहते हैं तमाम एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटरीज के दफातर में ई फाइलिंग सिस्टम शुरू किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन गोहर नफीस का नाकिस तफ्तीश पर एक्शन। सर्कल ऑफिसर लोधरा शाहिद नज़ीर वड़ाइज और सर्कल ऑफिसर खानेबाल इमरान खुर्शीद को शोकॉज नोटिस जारी। पीए रमज़ान और एएसआई महबूब अवान को मुअत्तल कर दिया। सर्कल ऑफिसर खानेबाल इमरान खुर्शीद और सर्कल ऑफिसर मुल्तान अफजल महार की सरजनिश की। डीजी एंटी करप्शन ने खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल के इजाले के लिए अहकाम दिए। तहरीक इंसाफ 3 सालों में महंगाई कंट्रोल न कर सकी। रहनुमा तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन का एतराफ़, आइंदा इलेक्शन में पीटीआई की तरफ से हिस्सा लेने का इंदिया दे दिया। कहा कि हकूमत को सबसे पहले महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। उधर जहांगीर तरीन ने नवाब रज़ियुल्लाह खान के वालिद की वफात पर इजहार तासीर किया। पीडीएम की बुनियाद का पहला फैसला बिलावल भुट्टो जरदारी का था। मुल्तान में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अवाम की मुश्किलात के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है। पीपल्स पार्टी महंगाई के खिलाफ हर जगह एहतजाज करेगी। अशफाक सिद्दीकी की वफात पर इजहार ताज़ियत और फातह खानी भी की। सरायकी व सेब के बासियों का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। अहमदपुर शर्किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई। पीपल्स पार्टी के डिवीजन जनरल सेक्रेटरी मखदूम सईद अली हुसैन गिलानी कहते हैं तहरीक इंसाफ हुकूमत ने गरीबों से जीने का हक छीन लिया। इमरान खान का महंगाई के खिलाफ भी यू टर्न लेना जरूरी है। पेट्रोल महंगा हुआ तो किराया भी बढ़ गया। मियांवाली में ट्रांसपोर्ट भी महंगी। ट्रांसपोर्टर्स ने किराया 10 रुपये स्टॉप के हिसाब से बढ़ा दिया। शहरों का किरायों में इजाफे पर शिकवा। मुतालबात न माने गए तो एहतजाज का रास्ता अपनाया जाएगा। सदर मरकजी तंजीम ताजरान किरायाना रिटेलर्स मुल्तान की धमकी। सदर मरकजी तंजीम ताजरान आफाक अंसारी कहते हैं इंतजामिया की जानिब से कोई जवाब नहीं मिल सका। नाजायज जुर्मान का सिलसिला बंद न किया गया तो शटर डाउन हड़ताल करेंगे। शहर औलिया के दिल के मरीजों से किया गया वादा ताहाल पूरा ना हो सका। परवेज अलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का तौसीई मंसूबा 8 साल बाद भी नामुकम्मल। 2 अरब का मंसूबा फंड्स की अदम फराहमी का शिकार। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का मंसूबा 9 साल से फाल होने का मुंतजर। सेक्रेटरी हाउसिंग डेवलपमेंट जनूबी पंजाब का अहदा 20 रोज से खाली। तैनाती ना होने के बायस टेंडर और वर्क परमिट मसाइल बढ़ने लगे। मुल्तान में मेट्रो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मंसूबा 3 साल से ताखीर का शिकार। शहर के दर्जनों मंसूबे फंड्स ना होने के बायस खटाई में पड़ गए। तरक्याती मंसूबे ताखीर का शिकार होने पर शहरी शिकवा गुना। मरीजों के लिए बड़ी ख्वारी होती है। अभी तक ये मनसूबा मुकम्मल नहीं हो रहा कार्डियोलॉजी का। हुकूमत पाकिस्तान को या हुकूमत पंजाब हुकूमत को चाहिए कि मैं इस पर फौरी तौर पर काम शुरू करवाया जाए। मुल्तान में ये मंसूबा चल रहा है और इसको जो है ना जल्द से मुकम्मल होना चाहिए ताकि मरीजों के लिए सहूलत मिल जाए। बिल्डिंग में भजन जल्दी तैयार होनी चाहिए, ये काम जल्दी होना चाहिए। इधर रश होता है बहुत ज़्यादा और इधर काम होना चाहिए जल्दी।
वज़ीरे आज़म के शहर मियांवाली के तरक्याती मंसूबे भी ताखीर का शिकार। गुज़श्ता दौरे हुकूमत के मंसूबे ताहाल नामुकम्मल। डीजे खान डॉट पुल मंसूबा तवज्जो का मुंतज़िर। बहावल नगर मेडिकल कॉलेज मंसूबे को 70% पर ब्रेक लग गई। उधर खानपुर कैडेट कॉलेज मंसूबा फंड की कमी का शिकार। साबका हुकूमत के रोके गए अरबों के मंसूबे पर काम जारी। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मलिक महबूब इलाही खर ने कहा कि बोन मैरो और थैलेसीमिया पर 1 अरब 1 करोड़ के फंड्स लगाए। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल पर 2 अरब लगा चुका है। मुजफ्फरगढ़ शहर की मरकजी शाहराहें टूट फूट का शिकार। सड़कों की हालत ज़ार ने शहरियों की हालत की खराब। अलीपुर तलेरी बाई और थर्मल रोड की तामीर शुरू न हो सकी। शहरियों का अरबाब इख्तियार से सड़कों की हस्ता हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा। रहीमयार खान में पीने का साफ पानी के लिए 72 फिल्ट्रेशन प्लांट लगेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों की सेहत के लिए बड़ी नवीद दे दी। कहा कि फिल्ट्रेशन प्लांट मंसूबा 28 करोड़ लागत से मुकम्मल होगा। एक दिन की छुट्टी और एक दिन स्कूल, अब नहीं। जनूबी पंजाब के स्कूल की घंटियां पूरा हफ्ता बजेगी। हफ्ते में 6 दिन तलबा स्कूल में हाजिरी यकीनी बनाएंगे। सिर्फ इतवार को हफ्तावार छुट्टी होगी। 12 साल और ज्यादा उनके तलबा के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। आरपीओ डेरा गाजी खान फैसल राणा का थाना लैया का दौरा। थाना सदर का इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। डीपीओ लैया ने तफसीली ब्रीफिंग दी। डीजे खान ने कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन लिया गया। मौसा कोटला सुखाने में असिस्टेंट कमिश्नर सदर नबील अहमद मेमन की कार्रवाई। 16 करोड़ रुपए मालियत का 4 कनाल सरकारी रकबा वाकजार करवा लिया गया। इंतजामी अफसरान अवामी खिदमतगार बन गए। एसी कोर्ट छूटा असद अली का एहसन इकदाम। सड़क किनारे बैठी उम्र रसीदा खातून के साथ जमीन पर बैठ गए। बुजुर्ग खातून को अपने मुआवन के हमरा मोटरसाइकिल पर एहसास सेंटर भिजवा दिया। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मरहबा। कानपुर के बासों पर ज़ियारत के लिए दरवाजे खुल गए। पीर उस्मान गनी की रिहाइश का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती मुबारक से वाबस्ता सुनहरी जालियों की ज़ियारत। मोए मुबारक अशरफियाँ और खाना काबा से मुतालिका तबरकात भी रखी हुई हैं। अशरफियाँ रियासुल जन्ना की कालीन रोजे के खिलाफ मुबारक की भी ज़ियारत। दरूदो सलाम और ज़ियारत ने माहौल को रूहानियत से मुअत्तर कर दिया।